आप सभी का स्वागत है जायका का तड़का में। हेलो एवरीवन, साउथ इंडिया की बेसिक कुकिंग सीरीज विद दिस लवली मॉम हेयर अर्चना चक्रवर्ती हु इज एन एक्सपर्ट। बहुत सारे मेंबर्स ने हमें बोला है, मॉम्स ने बोला है कि आपको साउथ इंडिया में डोसा, इडली, सांभर, चटनियां कैसे बनती है एक ऑथेंटिक स्टाइल में घरों में, वो हम आपको दिखाएं। तो हम दिखाने जा रहे हैं। रेसिपी है, वी आर गोइंग टू डू ग्राउंडनट चटनी, सिंपल सिंपल ग्राउंडनट चटनी। ओके, सुपर फास्ट ग्राउंडनट चटनी यहाँ पे इडली डोसे के संग बहुत कॉमन है, ऑलमोस्ट डेली बनती है और बहुत जल्दी फटाफट 5 मिनट में बनेगी। ओके, सो फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज ग्राउंडनट, व्हाट वी नीड। ओके, आई हैव ऑलरेडी रोस्टेड द ग्राउंडनट एंड कैप। ओके, सो दिस इज रोस्टेड एंड कूल्ड ग्राउंडनट। आई एम जस्ट टेकिंग इट and then to that I add a little bit of imli, okay, tamarind, okay, and a spoonful of coriander seeds and cumin seeds, okay, and a little bit of curry leaves. This is like our home's secret, or we like this way. The curry leaves give a nice taste in the ground. And baalon ke liye bhi bahut achhi hai. Let me just add. Yes, sir. For hair growth, it is and, must. And I am adding very important, you know, red chili. ओके okay. और ये हम वेरी कर सकते हैं हमारे स्पाइस बर्ड्स के हिसाब से, हम कम भी डाल सकते हैं, जितना पसंद है उतना डाल सकते हैं, और जिनके पास रेड चिली ना हो वो ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं, रेड चिली गिव्स अ नाइस कलर। ओके, और ये स्लो फ्लेम पे हमें रोस्ट करना है। यस यस, नाउ दैट आई हैव ऑलरेडी रोस्टेड द ग्राउंडनट, यूजुअली ग्राउंडनट रोस्टेड रेडी रहता है घर में, तो इट डजंट टेक एनी टाइम, तो जस्ट थोड़ा सा हीट चाहिए इसको। और इसीलिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे साउथ इंडिया में, तो नॉर्मली लोग इडली डोसा जब मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में बनाते हैं तो झटपट ग्राउंडनट चटनी बना लेते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है, झटपट बन जाती है एंड इसका काफी अच्छा टेस्ट भी आता है। यस, इट्स वेरी टेस्टी विद इडली डोसा। यस, यू नो एट लीस्ट माई चिल्ड्रन रियली लाइक इट। जब मैं ये डब्बे में देती हूँ तो ऑटोमेटिकली पूरा साफ आता है। वेरी ट्रू, इवन आई हैव टेस्टेड इट एंड इट्स अमेजिंग। यस यस, सब हमने रोस्ट कर लिया है। अब हमने रोस्ट कर लिया है, आई विल ट्रांसफर दिस इनटू द मिक्सर जार। ओके, बिकॉज इट्स नॉट वेरी हॉट, वी कैन ट्रांसफर इट इनटू द मिक्सर जार। Guys, please do like the video. Every mom takes a lot of effort to show you these recipes, or especially Archana has agreed to show you the basic cooking series in South India. Ki idli, dosa, sambar, chutney, aap kaise banaye? Roz hum ek video publish karenge with Archana, jo ki unedited hoga, jo dikhta hai, wo hi banta hai Zayka ka tadka mein. तो मैंने फर्स्ट एक राउंड ग्राइंड किया है। अब ऑफ कोर्स इसके अंदर हम डालेंगे नमक। ओह, सो सॉल्ट हैज टू बी एडेड इन द जार। यस यस, इट्स इजीियर नो, ताकि यू डोंट ऐड इट व्हाइल वी आर फ्राइंग। सो ऐड द सॉल्ट इन द जार, सॉल्ट अगेन एज पर योर इंडिविजुअल टेस्ट। आई ऑल्सो लाइक टू एड वेरी लिटिल बिट ऑफ चीनी, चीनी या गुड और जागरी दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, इट विल गिव अ लाइट स्वीट टेस्ट विच इज गुड। ओके ओके, देखिए हमारा नाउ दैट इट हैज मिक्स्ड वेल, वी विल ऐड सम वाटर टू इट। अच्छा, वेरी लिटिल, हाउ मच वाटर? वेरी लिटिल, इट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी एंड इट हैज टू बी अ चटनी टेक्सचर, राइट? हाँ, तो हमको पता चलेगा एक राउंड ग्राउंड करने के बाद। देखिए, दिस इज फाइन टेक्सचर। ओके, दिस इज अ फाइन टेक्सचर एंड पीपल कैन वेरी, अगर उनको ज्यादा लिक्विड चाहिए तो ज्यादा डालिए, कम चाहिए तो कम डालिए, कम चाहिए तो कम डालिए। नाउ वी आर डन। हाँ, नाउ वी आर डन। ये देखिए ग्राउंडनट चटनी आपके लिए बन रही है। नाउ आई एम ट्रांसफरिंग दिस इनटू द बाउल। और अब हम तड़का लगाएंगे। ओके, वी विल कीप दिस थिंग रेडी फॉर तड़का। प्लीज टू लाइक द वीडियो, जायका का तड़का में जो दिखता है वही बनता है, हम अनएडिटेड वीडियोस आपके लिए लेके आते हैं। तो वी यूज अ स्पूनफुल ऑफ ऑयल, हम घी भी यूज कर सकते हैं। हाँ, घी भी यूज कर सकते हैं, बहुत मजेदार टेस्ट होता है घी के साथ। ओके, सो वी यूज अ स्पूनफुल ऑफ ऑयल। आपको हमारे लाइव वीडियोस कैसे लगते हैं हमें जरूर बताइएगा।
जरूर बताइएगा कॉमेंट्स में. और ये रेसिपी कैसी लग रही है एंड आर यू एक्साइटेड अबाउट दिस कुकिंग सीरीज, डू लेट अस नो. ओके, सो अभी हम डालेंगे 1 स्पून फुल ऑफ उड़द दाल. दिस इज ऑल्सो ऑप्शनल. वॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द मस्टर्ड सीड्स, द राई के दाने, द मस्टर्ड सीड्स. So you can see that it is already going to splutter. And I would also want to show the आपका ये जो मसाल दानी है, it's very different than the North Indian style. देखिए यहाँ पे चना दाल होती है, उड़द दाल होती है, whole coriander seeds है, दाना मेथी है, pepper, whole pepper, काली मिर्च है. कितनी different है, नमक, मिर्ची, धनिया powder, अमचूर और वो नहीं होता. तो I'm using little bit of hing in this. आपको पसंद हो तो इसमें भी आप एक रेड लाइक यू नो रेड चिली डाल सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करी पत्ता डाल सकते हैं. नाउ वी आर डन. और अब बस अब हम चटनी में इसको करेंगे. और ये आपकी ग्राउंडनट चटनी इज रेडी. एंजॉय करिए तड़के के संग. रोज देखते रहिए बेसिक कुकिंग सीरीज विद द लवली मॉम हेयर अर्चना चक्रवर्ती हु लव्स टू कुक ऑल्सो. सो गाइज प्लीज डू लाइक द वीडियो. वी विल बी बैक लाइव अगेन टुमॉरो. बाय बाय एवरीवन. बाय बाय.